हाँ जी, तो मैं आपको स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है उसका मैकेनिज्म बता रहा था। हमारे पास नॉर्मली स्टोमेटा के गार्ड सेल्स आपस में एक दूसरे से चिपके हुए, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। जैसे लाइट जो असल में स्टोमेटा के खोलने के पीछे लाइट असल फैक्टर होता है, इसलिए स्टोमेटा दिन में खुलते हैं रात में नहीं खुलते, रात में स्टोमेटा बंद होते हैं। क्यों? क्योंकि रात में लाइट ही नहीं होती। लाइट क्या करती है जी, हमारे स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में जो स्टार्च स्टोर हुई होती है, लाइट उसको तोड़ के शुगर में कन्वर्ट कर देती है। वो शुगर वाटर में डिजोल्व हो जाती है और इससे क्या होता है, वाटर की कंसेंट्रेशन या वाटर का जो पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है। अब बराबर वाले सेल में वाटर का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, गार्ड सेल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल लो हो गया, तो अब क्या होता है जी, वाटर जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर लिख देता हूँ मैं, वाटर पोटेंशियल, ठीक है जी, ये वाटर पोटेंशियल लिखा हुआ है जी, बराबर वाले सेल में हाई हो गया और गार्ड सेल्स में लो हो गया, लिहाजा अब क्या होगा, डिफ्यूजन ट्रिगर हो जाएगा और बराबर वाले सेल से अब गार्ड सेल्स में वाटर आना शुरू हो जाएगा। तो अब इससे क्या हुआ जी, गार्ड सेल्स में वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर। अब गार्ड सेल्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। कल हमने पढ़ा है जी कि अगर हमारे पास वाटर एब्जॉर्ब होता है तो उसको हम कहते हैं कि वो टर्जिट हो जाता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। देखो, सेल एब्जॉर्ब करते हैं वाटर तो क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, ये वाली कहानी, ये वाली कि अगर सेल एब्जॉर्ब करता है तो साइटोप्लाज्म फूल जाता है, सेल वॉल बाहर की तरफ चीरती है, प्रेशर डेवलप हो जाता है, वो टर्जिडिटी। तो अब गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे वाटर। अब गार्ड सेल्स जब वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा जी, वैक्यूल फूल जाएंगे, ये वैक्यूल फूल गया। अब जब वैक्यूल फूलता है तो फिर आपके सेल वॉल पर प्रेशर अप्लाई होना शुरू हो जाता है, ऐसे सेल वॉल पर वैक्यूल जो है वो प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देता है। तो कल भी बताया था मैंने आपको, तो हमारे पास गार्ड सेल्स पानी एब्जॉर्ब करना शुरू कर गए, इससे क्या हो गया, वैक्यूल फूल गया। अब जब वैक्यूल फूल गया तो अब ये सेल वॉल पर भी प्रेशर अप्लाई करेगा, दोनों तरफ, अंदर वाली भी सेल वॉल पर, बाहर वाली सेल वॉल पर भी। लेकिन अंदर वाली सेल वॉल मैंने आपको क्या कहा था, नो इलास्टिक, रबड़ की तरह नहीं होती है, लिहाजा अंदर वाली सेल वॉल मूव नहीं करेगी, लेकिन ये जो बाहर वाली सेल वॉल है ये है इलास्टिक, तो ये रबड़ की तरह है, ये बाहर की तरफ से मूव होना शुरू हो जाएगी। तो ये गार्ड सेल आपका पीछे की तरफ से मूव होगा, आगे तरफ से नहीं। तो इसको गार्ड सेल को बनाते हैं तो ऐसा कुछ मामला हो जाएगा कि ये वैक्यूल फूल गए, ठीक है जी, जिससे क्या हो गया कि गार्ड सेल की जो अंदर वाली दीवार है वो ज्यादा नहीं चीरी, लेकिन बाहर वाली दीवार देखा कितनी चीर गई। ठीक है, देखे अंदर वाली दीवार जो है वो ज्यादा इलास्टिक नहीं थी, नो इलास्टिक, मोटी है जी ये वाली दीवार, तो ये ज्यादा नहीं मूव हुई, लेकिन ये जो बाहर वाली वॉल है ये तो इलास्टिक होती है, तो ये देखे इसका तो शेप ही पूरा चेंज हो गया, बाहर की तरफ मूव हो गई। सिमिलरली यहाँ वाला जो गार्ड सेल है उसका भी वैक्यूल फूल गया, अब इसने भी वॉल पर प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया, तो ये जो अंदर वाली वॉल है ये ज़्यादा अंदर ज़्यादा मूव नहीं करेगी, देखें ज़्यादा मूव नहीं हुई, लेकिन जो बाहर वाली वॉल है वो बाहर मूव हो गई। ठीक है, तो यूँ होती है कहानी कि जब हमारे पास गार्ड सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं तो ये जो वॉल्स होती है ये वाली बाहर की तरफ आती है ज़्यादा, ये वाली ज़्यादा बाहर की तरफ आती है, ये इतनी नहीं आती, तो इससे क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होगा और अब आपका जो गार्ड सेल है वो बीच में से खुल जाएगा। तब मैं इसको नीचे सही तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ ऐसा हो जाएगा गार्ड सेल आपका, ऐसा, ठीक है जी, और ये फूले हुए वैक्यूल्स है, ये स्वेलिंग वैक्यूल्स है। तो प्लास्मोलाइसिस की वजह से अब आपका सेल जो है वो वाटर, उस पर सेल वॉल पर प्रेशर अप्लाई होता है, अंदर वाली वॉल ज़्यादा मूव नहीं करती, बाहर वाली वॉल चूंकि इलास्टिक होती है बाहर चली जाती है, ये आपका जो है ना ओपन हो गया स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जब इसको क्लोज होना होता है ये क्या करेगा, अपना वाटर लूज कर देगा, जब अपना वाटर लूज कर देगा तो क्या होगा जी, इसका साइटोप्लाज्म वापस ऐसे हो जाएगा नॉर्मल ऐसा, ठीक है जी, और जो प्रेशर अप्लाई हुआ था वॉल पर वो ख़त्म हो जाएगा और वापस जो है वापस वॉल अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाएगी। तो असल फैक्टर स्टोमेटा को खोलने के पीछे क्या हो गया, लाइट, दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि लाइट की मौजूदगी में स्टोमेटा खुलता है, रात में स्टोमेटा जो है वो क्लोज होते हैं, स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं कब, स्टोमेटा ओपन इन डे टाइम, दिन के टाइम पे ये ओपन होते हैं क्योंकि लाइट मिल रही होती है और लाइट ये सारा मैकेनिज्म ट्रिगर कर देती है, जबकि स्टोमेटा जो है वो क्लोज रहते हैं कब, इन नाइट, रात में स्टोमेटा क्लोज होते हैं क्योंकि लाइट में लाइट नहीं होती। तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग।
लाइट आती है, लाइट क्या करती है, गार्ड सेल्स के स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देती है, शुगर बन जाती है, शुगर वाटर में डिजोल्व होती है, जिससे गार्ड सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल लो हो जाता है और बराबर वाले सेल में वाटर पोटेंशियल हाई रहता है, जिससे वाटर जो है वो हाई से लो मूव होना शुरू हो जाता है। अब गार्ड सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। जब गार्ड सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो उनका वैक्यूल जो है वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, जिससे प्रेशर अप्लाई होना शुरू हो जाता है वॉल पर। बाहर वाली वॉल चूंकि इलास्टिक होती है तो वो ज्यादा मूव कर जाती है, अंदर वाली वॉल जो है वो जरा मोटी होती है, लेस। तो हमने क्या देखा आज की क्लास में, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, जो प्लांट इतना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो जो फालतू एक्सेस वाटर होता है प्लांट उनको वेपर्स के फॉर्म में लूज करता है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तीन टाइप की होती है। अगर लीफ के स्टोमेटा से रिलीज हो रहा होता है पानी, फालतू पानी, इसको आप कहते हो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। अगर क्यूटिकल से डिफ्यूजन के जरिए रिलीज होता है तो इसको आप कहते हो क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। और अगर स्टेम में, वुडी स्टेम में जो छोटे छोटे लेंटिकल्स होते हैं उनसे रिलीज होता है तो इसको आप कहते हो लेंटिक्यूलर। क्यूटिक्यूलर जो है और लेंटिक्यूलर जो है वो ज़्यादा नहीं होती, तकरीबन 5% पानी बस यहीं से रिलीज होता है, जबकि 90% पानी स्टोमेटा के जरिए रिलीज होता है। स्टोमेटा क्या है जी, हमारे जो लीफ होता है उसकी अपर और लोअर एपिडर्मस में जगह जगह सुराख होते हैं और उन सुराखों में दो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, इन सुराखों को हम कहते हैं स्टोमेटा और उन स्पेशलाइज सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स की वजह गार्ड सेल्स एक दूसरे से दूर होंगे स्टोमेटा खुल जाएगा, गार्ड सेल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे स्टोमेटा बंद हो जाएगा। जब स्टोमेटा खुलता है तो लीफ ना सिर्फ फालतू पानी को बाहर निकालता है बल्कि गैस एक्सचेंज भी कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ऑक्सीजन दे देगा या ऑक्सीजन ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। अब गार्ड सेल्स ओपन और क्लोज कैसे होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन। लाइट की मौजूदगी में गार्ड सेल्स के स्टार्च टूटकर शुगर में कन्वर्ट होते हैं, वाटर में डिजोल्व होते हैं, वाटर की पोटेंशियल लो हो जाती है, बराबर वाले सेल में वाटर पोटेंशियल हाई होती है, लिहाजा वाटर डिफ्यूज होकर गार्ड सेल्स में आ जाता है, गार्ड सेल्स के वैक्यूल फूल जाते हैं जिसकी वजह से वॉल पर प्रेशर अप्लाई हो जाता है। बाहर वाली वॉल चूंकि थिन होती है इलास्टिक होती है तो वो ज़्यादा मूव करके बाहर हो जाती है, जबकि अंदर वाली वॉल लेस इलास्टिक होती है, थिक होती है, लिहाजा वो ज़्यादा मूव नहीं करती, तो हमारे गार्ड सेल्स एक दूसरे से इस तरह कुछ दूर हो जाते हैं कि बीच में एक सुराग आ जाता है, एक होल आ जाता है, यहाँ से फिर अब गैस एक्सचेंज होगा। फिर जब इनको अब क्या होता है कि जब लाइट ख़त्म हो जाएगी या लाइट जब बंद हो जाती है तो फिर ये उल्टा रिएक्शन हो जाता है, जो शुगर होती है वो कन्वर्ट होकर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जब लाइट नहीं है ना, नो लाइट, जब नो लाइट है फिर क्या होता है, फिर ये जो शुगर होती है ना पानी के अंदर जो शुगर थी वो वापस कन्वर्ट होकर स्टार्च में तब्दील हो जाएगी, वापस जुड़ जुड़ के स्टार्च बना लेगी। अब उससे क्या होगा कि जो वाटर के अंदर शुगर थी वो ख़त्म हो गई, वाटर प्योर हो गया, अब वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो गई है, लिहाजा पानी रिलीज हो जाता है, उल्टा प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, स्टोमेटा वापस क्लोज हो जाता है। आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल की क्लास में जो हम देखेंगे वो है जी फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट करते हैं, यानी ट्रांसपायरेशन को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर होता है, लाइट होती है, ह्यूमिडिटी होती है, विंड होती है, ठीक है। ये फैक्टर्स देखेंगे कि ये ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो है इस ट्रांसपायरेशन का एडवांटेज भी और डिसएडवांटेजेस भी, यानी ट्रांसपायरेशन प्लांट को क्या फ़ायदे दे रही है एंड क्या नुकसान दे रही है, ठीक है जी। तो ये हमारा ट्रांसपायरेशन कम्प्लीट हो जाएगा, फिर हम प्लांट्स की जो है वो ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे और वो फिर हमारे लिए अब थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि वो हमने सारे प्रोसेस थे वो हमने पढ़ लिए, ठीक है जी। कोई सवाल है आप लोगों को तो